टी पैक करप्शन इल्जाम पर पाकिस्तान और चीन का मुखालिफीन को करारा जवाब। मुशाहिद हुसैन ने कहा है कि कुछ कुवतें सी पैक को कामयाब नहीं देख सकती। दूसरी जानिब चीन ने सी पैक मंसूबे में करप्शन के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए अमेरिका से कहा है कि वो सी पैक पर करप्शन के इल्जामात लगाते हुए एहतियात करे। इस्लामाबाद में पांचवी सी पैक मीडिया फोरम से खिताब करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना था कि सी पैक चीनी सदर शी जिनपिंग का 21वीं सदी का अहम तरीन मंसूबा है। कुछ कुवतें इसके खिलाफ हैं। कुछ कुवतें हैं जो सी पैक को कामयाब नहीं देखना चाहते इस खत्ते में और बाहर, लेकिन हमारी जो साबित करनी है चाइना के साथ ताल्लुक के हवाले से जो 60-65 साल पुरानी है, उसने साबित कर लिया कि ये इसको आगे लेके चले। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर योंग जी ने कहा कि अमेरिका की मॉर्मन सेक्रेटरी स्टेट एलिस वेल्स ने सी पैक पर बात की है। सी पैक के बारे में करप्शन की बात करना आसान है जब आपके पास दुरुस्त मालूमात ना हो। नैब और हकूमती एजेंसियों को सी पैक मंसूबों में करप्शन के कोई सबूत नहीं मिले। अमेरिका सी पैक पर करप्शन के इल्जाम लगाते हुए एहतियात करे। योजिंग का कहना था कि सी पैक चीन की अवलीन तरजीह है। सी पैक ने पाकिस्तान में रोजगार के नए मौके पैदा किए। 20 जारी मंसूबों में से 75,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को रोजगार फरहम हुआ है। बेल्ट एंड रोड और सी पैक मुश्तरक फायदे का मंसूबा है और 170 ममालिक इसका हिस्सा हैं। दोनों ममालिक के तआवुन से मंसूबा कामयाबी के रास्ते पर गामजन है। पीकिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टैन मिंग का कहना है कि बास ममालिक सी पैक को कामयाब नहीं देखना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये मंसूबा दोनों ममालिक के फायदे में है, लिहाजा वो दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं। करप्शन से मुतालिक तहकीकात में इस्तिस्ना हासिल है। अमरीका और इंडिया सी पैक कामयाब सी पैक देखना नहीं चाहते, क्योंकि सी पैक ये पाकिस्तान के लिए फायदा है, चाइना के लिए भी फायदा है। वो देखना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारी ताल्लुकात जो है तोड़ रहा है, इसलिए वो हाफ मुहा इसमें गड़बड़ पैदा करते। इस्लामाबाद को खबरदार करते हुए कहा कि सी पैक से सिर्फ चीन को फायदा होगा और कुछ फायदे के बदले पाकिस्तान को तवील मुद्दत में बड़ा नुकसान होगा।